दोनों लड़का सो रहा था। घटना घटी है, वो 5 मंजिल मकान बने थे, कल अंधी आई थी। हाँ, बच्चे हमारा सब अंदर ही था, मगर बच्चे सब बच गया, कोई जान के नुकसान नहीं है, मगर मकान बिल्कुल टूट गया है। घर से बेघर रोड पर हूँ, सब बाल बच्चे सब हमारे को घर किसी तरह, हाँ हमारे घर बनवा दीजिए। जिस तरह से आंधी आई है, ये इस तरह से मकान टूटा है, तो क्या कोई पुलिस वगैरह भी आई थी? हाँ पुलिस वगैरह भी आई थी, एम्बुलेंस आया था सारा कुछ। हाँ जी एम्बुलेंस आया था, पुलिस वाले भी आए। अब आप क्या चाहते हैं पूरे मामले में? हम चाहते हैं हमारा मकान बन जाए। हम रोड पर कब तक रहेंगे? इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं हताहत नहीं हुआ है। आस पास के कितने घर लगभग टूटे हुए हैं? हाँ जी 3 घर। कितने घर टूटे हुए हैं? तीन घर। हाँ 3 घर। ये तूफान आने से दीवार गिरी है हमारी तरफ, और अड़ोस पड़ोस में भी मकान गिरे हैं, दो उनसे भी दीवार गिरी है। किस चीज़ की दीवार गिरी है? एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था आपके पड़ोस में। हाँ जी इसका मकान है किसका ही चल रहा था? उनका नाम तो पता नहीं है, रमेश नाम है जिनका प्लॉट था। दिल्ली पुलिस ट्रेन से बोलो, दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल में जो बनवा रहे हैं, डीलर है जो, तो उन्हीं के मतलब ये कल बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी क्या? था कच्ची बिल्डिंग वो था दीवार थी ये, परसों दीवार उन्होंने खड़ी की थी, कल ये आंधी की वजह से गिर गई है, सभी के घरों पे गिर गई। हाँ जी 3 घर में नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? इसका पंजा लगाना मुश्किल हो गया, डैमेज हो गया 2 मकान तो, और एक मकान में हल्की थोड़ी टुकड़ी टूटी है 2-4। कोई हताहत हुआ इसे पूरे? नहीं बचाव हो गया, साथ कुछ नहीं हुआ है। घटना क्या घटी कि जो 5वीं मंजिल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था दिल्ली पुलिस के लोचो में स्पेशल सेल में, तो उसकी कच्ची दीवार थी, जो 5 बजे का तूफान आया है उस तूफान से उसके 2 पोर्शन की दीवारें ढही हैं, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले जो परिवार हैं उनको मौत उनको छूके निकल के समझ लो, बहुत अच्छा नुकसान हुआ है, पूरे घर के घर तबाह हो गए हैं। एक गरीब आदमी क्या चाहता कि दिल्ली में मुझे छत हो, आज उनसे वो छत ही छिन गई, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया इनको कि हम तुम्हारा काम करा के देंगे। इसी विश्वास से कल दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर आई थी, यहाँ पर एम्बुलेंस वाले आए थे, यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले आए थे, जो काफी हद तक दीवारों को उन्होंने गिराया ऊपर और लोगों को बचाव का निर्देश दिया है कि आप अपनी जिंदगी सुरक्षित कीजिए। लेकिन ये परिवार रात में कैसे रहे हैं, कैसे उन्होंने रात काटी है, इसका भगवान ही मालिक है, बगैर छत के।